Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AHDP सेकेंड ईयर में मेडिसिन का सेकेंड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक है टिटनस। टिटनस जिसे हम आम भाषा में धनुषबाह रोग भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोहे की जो जंग रहित चीज़ें होती हैं उनसे चोट लगने की वजह से, या फिर जैसे कोई घाव हो रहा है उसके अंदर कोई गंदगी चली जाती है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से भी टिटनस रोग हो जाता है। इस टिटनस को के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है, जैसे कि जोना, माधो, धूरम, धनुस्तंभ, धनुष्टंकार, काट का घोड़ा, चांदनी रोग, लोक जा इत्यादि। ये क्या है, इसके अन्य उपनाम हैं टिटनस के, जिनकी वजह से भी टिटनस को हम जानते हैं, जैसे कि जोना, माधो, धूरम, धनुस्तंभ, धनुष्टंकार, गाट का घोड़ा, चांदनी रोग, लोकजा एट्सेट्रा। यह रोग कैसा है, एक तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन हम देखें तो इस रोग में क्या होता है। सबसे पहले तो यह है मुख्य रूप से किसका रोग है, हॉर्स का, यानी कि यह घोड़ों का मुख्य रोग है। यह रोग सबसे ज़्यादा घोड़ों में होता है, दूसरा काऊ में कम होता है, और बिल्ली होती है यानी कैट होती है उसमें तो यह रोग नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इस रोग का जो रोग कारक होता है वो होता है बेसिलस टिटेनी या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया से तीन प्रकार का टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस होता है। एक होता है हीमोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन, एंड थर्ड होता है न्यूरोटॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन होते हैं ये क्या करते हैं, पशु के शरीर की जो स्केल्टन मसल्स या वॉलंटरी मसल्स होती है ना, उनमें खिंचाव ला देती हैं तथा जकड़न या अकड़न आ जाती है।
इस रोग का ये जो रोग कारक है बेसिलस टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी भी बोल सकते हैं जिसको, ये तीन प्रकार के टॉक्सिन यानी कि विषैले पदार्थ प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है, जिनके नाम है हीमोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। ये जो विषैले पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, पशु के शरीर के जो मसल्स होती हैं ना, स्केलेटल मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल्स, उनमें खिंचाव ला देती हैं एवं उनमें जकड़न व अकड़न उत्पन्न कर देती हैं। ये हो गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम देखें तो इसमें एक तो अब एटियोलॉजी यानी कि इसका रोग कारक मैंने लिखवाई दिया था। अब ये रोग कारक होता कैसा है, एक तो उसके बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, बेसिलस टिटेनी बैक्टीरिया या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होता कैसा है, ये बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। हम टेटनस के सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो इसके सिम्टम्स हम पढ़ेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो क्या होता है कि जो पशु होता है वो खाने की प्रक्रिया यानी कि जुगाली करने की प्रक्रिया बिल्कुल ही बंद कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, पशु का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, मुंह से लार गिरती रहती है, जिस वजह से इस रोग को लोक जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो पशु की जो थर्ड पुतली होती है, आँख की जो तीसरी पुतली होती है, उसका प्रोलैप्स हो जाता है यानी कि आँख की तीसरी पुतली बाहर आ जाती है। एंड इसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो क्या होता है कि इसमें गायल होती है, उसमें आफरा आ जाता है। तीसरा क्या है, इसमें जो घोड़ा होता है उसके कान एकदम स्ट्रेट बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, साथ में उसके शरीर की जो मसल्स होती हैं उसमें अकड़न आ जाती है टॉक्सिन्स की वजह से, और अकड़न आने की वजह से बिल्कुल पशु घोड़े की यानी कि काठ की तरह लकड़ी की तरह एकदम स्ट्रेट सीधा रहता है, बिल्कुल भी हिलता दुलता नहीं है, जिसकी वजह से इसे काठ का घोड़ा भी बोलते हैं। जब घोड़े को या पशु को जब स्पर्श करते हैं तो वो एकदम से चमकता है यानी कि बिदकना स्टार्ट कर देता है। पशु को क्या होगा कि अंधेरे में रहने का मन करता है, साथ ही साथ इसमें पशु की अचानक से सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, यानी कि जो पशु के जो रेस्पायरेशन सिस्टम होते हैं उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है, जिस वजह से पशु को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ़ होने की वजह से पशु की डेथ हो जाती है। ये हमारे टिटनेस के सिम्टम्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है पशु का डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम एक तो पशु की क्या करेंगे, पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे, साथ में उसके सिम्टम्स की वो किस प्रकार के सिम्टम्स प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स यानी कि इतिहास एवं लक्षणों के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो क्या होगा, पशु को अंधेरे में रखेंगे, पशु को क्या करेंगे, अंधेरे में रखेंगे। दूसरा, पशु को पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि पेनिसिलिन जी। तीसरा क्या करेंगे, पशु के इंजेक्शन आता है टिटनेस का, टेट वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, जो टेट वैक्सीन होती है इसे हम आईवी या आईएम दोनों दे सकते हैं। अगर हम इसे आईवी लगाएंगे तो एनएस यानी कि नॉर्मल सेल एंड साथ मिक्स करके लेंगे, मसल्स के जकड़न को दूर करने के लिए।
क्लोरप्रोमेजिन इंजेक्शन देंगे पशु को। ठीक है, ये तो ये हो गया। नेक्स्ट पशु को क्या करेंगे, कंट्रोल यानी कि बचाओ। कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोई घाव हो जाता है पशु के किसी भी चोट लगने की वजह से, उसे हम एंटी सेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करेंगे। नेक्स्ट, ये जो बैक्टीरिया होता है यह दो और प्रकार के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टिटेनोलाइसिन एंड टिटेनोस्पाज्म। ये टॉक्सिन क्या करते हैं, ये दोनों टॉक्सिन्स मसल्स में लकवा उत्पन्न करते हैं। ये जो दोनों टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं ये मसल्स में लकवा उत्पन्न करते हैं। अगर पशु के बिना घाव लगे हुए टिटनेस होता है, बिना घाव हुए टिटनेस होता है, तो उसे आइडियोपैथिक टिटनेस कहते हैं। इस जो टिटनेस का जो टीका होता है टीटी का टीका होता है, टिटेनस टॉक्साइड, एंड जो इसका उपचार होता है वो होता है एंटी टिटनस सीरम ATS, एंटी टिटनस सीरम। इसी के साथ आज हमारा टिटनस का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।